सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के किनारे अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। नदी के किनारे जेसीबी मशीन के जरिए अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं इसे लेकर बीजेपी पिछड़ा वर्ग के मंत्री पवन यादव का कहना है कि नगर पंचायत क्षेत्र के माली मेनहा के पास अवैध खनन हो रहा है। पवन यादव का ये भी कहना है कि प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन का कारोबार हो रहा है। ये हमारे गांव के बगल में है माली मेनहा नगर पंचायत में, काफ़ी दिनों से यहां बालू खनन हो रहा है। इस पर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विगत कई वर्षों से बाढ़ की समस्या भी आ रही है। यहां एक गांव है बड़ारा जो हर वर्ष जो है चारों तरफ नदी के पानी से घिर जाता है। ये सब अधिकारियों की मिलीभगत है, यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है। एक दो दिन जो है कार्रवाई करेंगे, फिर तीसरे चौथे दिन काम चालू हो जा रहा है। इस पर मैं चाहूँगा शासन से सख्त से सख्त कार्रवाई करें।